लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे धक्का कैसे दे दोस्त? वरुण, देख मेरा तितली पकड़ ली। अरे वहाँ तो फूल पकड़ी दे। अरे तितली छोड़, मैंने अजीब सा कीड़ा पकड़ा है। ए आदि, ए भासु, ये देख मैंने क्या पकड़ा है। ये देख मैंने क्या पकड़ा है। अरे वाह, तितली कितनी सुंदर है, मुझे दिखा, दिखाना। ए आदि, रुक रुक ना, दिखाना मुझे तितली। मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। रुक ना, दिखाना मुझे तितली। अरे ये क्या किया तूने, तितली को उड़ा दिया। कीड़ा ही तो है, डरपोक है तू। वाह, कितनी सुंदर लगती है ना ये तितली। ऐसे ही दत साला, तेरे से तो कीड़ा भी नहीं मारा जाता। हेलो। एक खजूर मौन चिकना टपका दूं क्या तेरे को? हाँ बहुत उड़ रहे हैं। ए शाने, तू अपने आप को भाई समझता है? अरे छंडू भी बाहर निकल के धंधा करती है और तू तो 5,000 के भाड़े के टट्टू के पीछे छुपके मारता है साले लोगों को। अगर गुर्दे में दम है ना तो बाहर निकल के पब्लिक को डरा के दिखा। 6 की 6 गोली उतार दूंगा साले तेरे सड़े हुए भेजे में। मोहन चिकने, भास्कर नाम है मेरा, सब इंस्पेक्टर भास्कर सरनाय, क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। समझा? पुलिस को गाली देता है, है? आज बड़ी जल्दी आ गया, सब ठीक तो है? क्यों, मैं घर जल्दी नहीं आ सकता क्या? तेरा घर है, तू जब मर्जी आ। पर पिछली बार जब जल्दी आया था ना तो सस्पेंड हो गया था। हाँ, ताना मारने की जरूरत नहीं है। आज मैं बढ़िया डिनर करने की नियत से घर आया हूँ। खाना बिल्कुल सादा मिलेगा। तुझे मालूम है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या? एसिडिटी में मसाला वसाला बिल्कुल नहीं। डॉक्टरों की छोड़ यार, डॉक्टर तो बोलते रहते हैं। अच्छा, और वैसे भी मैं बाहर का बेकार खाना खा खा कर बोर हो चुका हूँ। तू दबा के दिखा डाल। क्यों भाई, कोई खास बात? बड़ा गुनगुनाना चल रहा है। ये पुलिस वाले घर पे भी पूछताछ बंद नहीं करते। हाँ, तू इतने दिनों बाद घर पे खाना खा रहा है, मैं खुश नहीं होंगी, इसीलिए तेरे लिए गाना गा रही हूँ। अच्छा, लेकिन फिलहाल तू मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए गा रही थी। और पति को बीवी अक्सर लोरी नहीं सुनाया करती। पति अगर घर पे न रहे तो फिर लोरियां ही याद रहती हैं। हाँ, डायलॉग पे डायलॉग दिए जा रही है। फटाफट खाना लगा, निकलना है। क्यों, तू आज घर पे नहीं रहेगा? पर आज 31st है, तू भूल गया? 31st है इसलिए तो जाना है यार, आधा डिपार्टमेंट आज दारू के नशे में धुत होगा। और जो दारू नहीं पीते हैं उन्हें डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाँ बोल रहा हूँ। क्या पक्की खबर है? तुम मुझे फौरन पिक करो। अरे डिनर उनर भूल जाओ यार, मैंने 5 साल इस आदमी को पकड़ने का इंतजार किया है, एक रात डिनर भी मेरा इंतजार कर लेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या बात है कपिल, बड़े जोश में लग रहे हो। यस सर, इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को जो पकड़ने जा रहे हैं, जोश तो होगा ही।
पकड़ने वाले और पकड़ लेने में बहुत फर्क होता है। हथियार रख लिया? ऑफ कोर्स सर। शिकार पर जा रहे हैं तो नियत थोड़ी ना जाएंगे। शिकार? मुझे तो लगता है हम लोग म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं। क्या बात कर रहे सर, म्युनिसिपैलिटी? हाँ और क्या, दोनों शहर की गंदगी तो साफ करते हैं। ला चाबी दे। चाबी ये लीजिए। सर क्या सोच रहे हैं आप? सर ये जो अदी है ये आपका दोस्त था ना? अब भी है, लेकिन अब वो मेरी जान लेने को तैयार है और मैं उसकी। अजीब बात है ना कपिल, जिनके साथ बचपन बांटा हो कभी कभी उनकी जान भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्त तो फिर भी रहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। तुम देखना कपिल, इस मिशन के खत्म होने के बाद हाथ मिलाने का मजा ही कुछ और होगा। यस सर। जानते हो कपिल, कुछ साल पहले जब कई बरसों बाद में उससे मिला तो भी न्यू ईयर की कुछ ऐसी रात थी। पटाखे, बजते हुए हॉर्न, नाचते गाते लोग, चारों तरफ शराब का नशा। मानो उस एक रात के लिए दुनिया में सब कुछ छीन गया। उस दिन मैं पेट्रोलिंग करते करते पालकी वाले बंगले की गली में पहुंचा। इतनी सारी गाड़ियां खड़ी पर कोई आदमी नहीं दिख रहा है। पाटिल सर कोई अंदर तो नहीं है? अरे कोई म्यूजिक की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। देख वॉचमैन को देख। ए कोई अंदर है? वॉचमैन, वॉचमैन! मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चल अंदर चल के देखते हैं। आ जा। ए चुप! होल्ड, मैंने तुझसे कहा था ना कुछ गड़बड़ है, तू यहां रुक, मैं अंदर देखता हूं। हो सर। जल्दी कर, अबे निकालना, क्या बोला तेरे को साला? अबे जल्दी कर साला, जल्दी कर साला, निकाल। अबे टकले शकल मत देख जल्दी, वरना भेजे मैं उतार दूंगा तेरे ही गोली। चल जल्दी कर। अबे जल्दी कर ना, चलाऊं क्या गोली साला? चलाऊं साला गोली? अबे निकाल। अबे जल्दी कर। अरे बहन जी हिलो ना, चल निकाल। अरे निकाल ना, हट। और कोई बाहर भी मत आना। आ, 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 आ,
आदि तू? हाँ मैं तेरे तेरे बचपन का दोस्त। एक गोली मत चलाना यार, ए भासु गोली मत चला, गोली मत चलाना यार, गोली मत चला यार, गोली मत चला भासु। सर फिर आपने उस पर गोली नहीं चलाई? नहीं। क्यों? बचपन की दोस्ती की खातिर? नहीं। तो कपिल, जब पुलिस की वर्दी पहनते हो तो यह भी पता होगा कि अगर मुजरिम सरेंडर कर दे तो उस पर गोली नहीं चलाई जाती। सर इसका मतलब आपने अपने दोस्त को जाने दिया? नहीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अदि को 10,000 रुपए की जमानत पर रिहा करती है। अदालत अदि को आदेश देती है कि वो हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिर हो और अदालत के आदेश के बगैर शहर छोड़कर ना जाए। अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर अदि की जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। हाथ कैसा है तेरा? ठीक है। इंजेक्शन लिया था? हाँ यार, भासु पहले तूने मुझ पर गोली नहीं चलाई और फिर मेरी जमानत भी करा दी। तेरे किसके एहसान का हिसाब रखूंगा मैं? एक एहसान कर दे मुझ पर, मैं समझूंगा हिसाब बराबर होगा। अरे यार भासु, तू बोलना यार, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा। जैसे ही केस खत्म हो जाए तू वापस चला जा अपने गांव, वहां भी लोगों की जिंदगी और मौत दोनों बहुत सीधे साधे, थोड़ा और जी लेगा। लौट जा प्लीज। क्या रे अनिल, क्या हुआ? अरे होना क्या था यार, उसे घायल अवस्था में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, पार्टी छोड़कर सारी रात सड़ते रहे वहां पर। तुमने भी अच्छा मौका ढूंढा यार, कल रात गोली चलाकर हंगामा खड़ा करने का। लेकिन उसका क्या हुआ? ये ले डेथ सर्टिफिकेट, कल सुबह 5:20 पे टपक गया साला। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की जान ली, वो भी बहादुरी की वजह से नहीं, डर की वजह से। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता यार। कपिल, तूने कभी ड्यूटी पर किसी की जान ली? नहीं सर। जिस दिन लेगा ना उस दिन उतना ही डर लगेगा जैसा मुझे लगा था। सर फिर आप पुलिस में भर्ती ही क्यों हुए? क्या आप पहले से ही पुलिस वाला बनना चाहते थे? कई साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरा बड़ा भाई बंबई आया नौकरी की तलाश में। पहले पहले चिट्ठी आती थी, फिर धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गई। अरे 2-3 साल तो उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। और माँ भाई की याद में बहुत परेशान रहने लगी। तू पढ़ाई करना शुरू कर, हमेशा कॉलेज से छुट्टी मारता रहता है। अरे कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। देख माँ पूजा कर रही है। जय हनुमान, हे प्रभु। अरे कृपा करना, तू कॉलेज से आ गया? मेरे मन बुद्धि विवेक को ठीक रखना। पोस्ट ऑफिस गया था? सबके ऊपर अपनी कृपा रखना, मेरे भाई पर अपनी कृपा दृष्टि रखना भगवान। जय हनुमान। रघु की कोई चिट्ठी आई? नहीं। पांच साल पहले शहर गया था वो, कहकर माँ माँ मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा। तभी से उसका कोई पता नहीं। 3 साल बाद बस उसकी एक चिट्ठी आई,
तभी से वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ भी। अरे माँ तू रो मत, रो मत माँ, मैं जाऊंगा रघु भैया को ढूंढने। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं तुझे जाने दूंगी, मैं नहीं तुझे जाने दूंगी, तू कहीं तू ही चला गया तो। अरे माँ जब हनुमान जी लंका जाकर सीता मैया को ढूंढ सकते हैं तो क्या मैं बंबई जाकर अपने भाई को ढूंढ कर नहीं ला सकता? तू रो मत माँ। तू वहाँ जाकर अपनी पूछ को आग लगा कर मत घूमना। क्या माँ? अरे तेरे को मस्त जगह मिल गई खिड़की के पास। और सुन ध्यान रखना, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, हाँ ख्याल रखना। और तू भी अपना ख्याल रखना और माँ का भी ख्याल रखना। देख हाँ? चिंता मत कर, देख चिंता मत कर, तू पढ़ाई करना पढ़ाई, और तू शूटिंग शूटिंग देखना तू, हाँ शूटिंग तू पढ़ाई करना। अरे ये माँ ने अचार दिया है रघु भाई के लिए बनाया ना, और माँ का भी ख्याल रखना। हाँ ध्यान रखूंगा, चिट्ठी लिखता हूँ। हाँ कपिल, तुम सोच रहे होगे कि अदी को पकड़ने के बाद भी मैं शायद उसे इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि बस के पीछे भागते हुए अचार की बोतल लिए मेरे बचपन की दोस्त की यादें आज भी मेरे दिल में इतनी ताजा हैं कि मेरा हाथ रोक सकती हैं। नहीं सर, सर मैं सोच रहा था कि क्या आपको आपका भाई मिला? तुम सीधे गांव से आए हो वो तो ठीक है, लेकिन गांव वाले भी इतने बेवकूफ तो नहीं होते। कुछ समझ में आ रहा है? हमको तो बस यही समझ आ रहा है साहब कि आप ही हमारे भाई को ढूंढ सकते हैं। ये खोए हुए लोगों का शहर है, अगर तुम कुछ दिन और यहां रह गए तो खुद को ढूंढते हुए फिरोगे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आप तो हमारे भाई को ढूंढ दीजिए साहब बस, वो हमारे गांव का हवलदार है ना, वो किसी से कुछ भी करा सकता है, फिर आप तो इतने बड़े साहब हैं। तुम्हें भाई की चिट्ठी मिली अंधेरी से और तुम पहुंच गए? जी साहब। इसमें सिर्फ अंधेरी लिखा है? जी साहब। और अंधेरी में 10 लाख लोग रहते हैं, कहां ढूंढोगे अपने भाई को? जी ये लो चिट्ठी, अपने गांव वापस चले जाओ। भाई को लिए बगैर कैसे जाऊंगा और माँ को क्या जवाब दूंगा? अचार ये माँ ने भैया के लिए भेजा था, आप रख लीजिए। तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो ये अचार? साहब वो हमारे गांव का हवलदार है ना, बिना कुछ सामान लिए कोई काम ही नहीं करता, और मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है साहब। साहब मेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, मेरे भाई को ढूंढ देंगे ना साहब आप? साहब रख लीजिए, हाँ मेरा काम कर दीजिए साहब, मेरे भाई को ढूंढ दीजिए साहब। साहब साहब ये रख लो साहब, बैठो। अरे उधर नहीं, कुर्सी पे बैठ। कोई जगह है रहने की शहर में? नहीं साहब। कुछ पैसा वैसा है साथ में? नहीं साहब। किसी को जानते हो इस शहर में? नहीं साहब। पुलिस स्टेशन के बगल में एक किरानी रेस्टोरेंट है। जी साहब। उसके मालिक का नाम है रुस्तम। जी। उसको बोलना कि सब इंस्पेक्टर गोखले ने ये पर्ची भेजी है। साहब ये रुस्तम मेरे भाई को ढूंढ देगा क्या? नहीं, वो तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में नौकरी देगा। अपने भाई को ढूंढने के लिए तुम्हें इस शहर में रहना पड़ेगा। जी। उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी। जी जी। ठीक है, ये अचार ले लो, मैं रिश्वत में अचार नहीं लेता, और वैसे भी मुझे एसिडिटी है। और सुनो, तुम्हारे भाई की कोई तस्वीर वगैरह है?
हाँ है ना साहब? हाँ, मैं कोई, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और तेरा भाई पैदा हो गया। वैसे भी लोग समझते हैं कि पुलिस वाले भगवान की तरह अंतर्यामी होते हैं। साहब ये मेरा बड़ा भाई है। कुछ ज्यादा ही अजरा है लेकिन सीधा लगता है। सीधे लोगों का शहर नहीं है ये। ठीक है, ये रहने दे मेरे पास। ठीक है, जाओ। चलो चल मेरे साथ। देखो ध्यान से देख, ये तेरा भाई है ना? यही है ना तुम्हारा भाई? ठीक से देखो, यही है ना? नहीं सर, ये मेरा भाई। अपने भाई को नहीं पहचान पा रहा? नहीं सर, ये मेरा भाई। लेकिन जो तस्वीर तुमने मुझे दी थी इसका चेहरा उससे मिलता है, ये देख। नहीं सर, ये मेरा भाई नहीं। ये देख, ये झूठ मत बोल। ये मेरा भाई नहीं सर। ये लाश तेरे भाई की ही है। नहीं सर, ये मेरा भाई नहीं। ये मेरा भाई नहीं सर। यही तेरे भाई की लाश है? नहीं सर, ये मेरा भाई नहीं सर। 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 अरे यार भासु यार, क्या मस्त शहर है यार ये। इतना पब्लिक यार, मेरी तो फट गई यार देख के। अरे पता है तेरे को, स्टेशन के बाहर ना इतना बड़ा डिग लगा था यार, वो क्या, वो इत्र की शीशी का यार, साला 5-5 रुपए में बेच रहे थे यार। मैं तो दो ऐसे ही उठा के लेके आया। ले एक तू भी रख ले यार, साला नहाने का भी जरूरत नहीं है। आदि तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार वो बात तो मैं भूल ही गया यार मैं। अरे माँ को तूने 1 महीने से चिट्ठी नहीं लिखी, वो तो घबरा गई थी। मुझे भेजा उसने देखने के लिए कि सब ठीक तो है ना। तू ठीक है ना भासु? रघु भाई की कोई खबर मिली? भासु क्या हुआ? भासु बोलना यार, क्या हुआ? तू ऐसे रो रहा है यार, मेरे को बोलना क्या हुआ? ए भासु, चल रहा है ना? नहीं। लेकिन तेरी माँ को क्या बोलूंगा मैं?
उससे कहना मैं भैया को लिए बगैर इस शहर से वापस नहीं आऊंगा। भासु, लेकिन भाई तो जब तक माँ जिंदा है तब तक भाई जिंदा है, और जब तक माँ जिंदा रहेगी मैं भाई को ढूंढता रहूंगा। तू भी उससे यही कहना, वादा कर मुझसे। ए जरा देख, क्या रोनी के घर से कोई आया कि नहीं? हाँ साहब। साहब जी, इंस्पेक्टर साहब, वेलकम। रुस्तम भाई, जो प्रमोशन मुझे सरकार ने नहीं दिया वो तुमने दे दिया। तुमको कितनी बार बोला कि मैं इंस्पेक्टर नहीं सब इंस्पेक्टर हूँ और वही रहूंगा। अरे पर आम जनता के लिए तो हर पुलिस वाला इंस्पेक्टर ही होता है ना। अच्छा बोलो, क्या लोगे? चाय, कॉफी, गरम, ठंडा? आज कुछ खाओगे? चाय गरम। ए भाषा, एक अच्छी सी चाय लेके आ। साहब, सुना है वो बाजू वाली गली में आपने वो रोनी दादा का तो गेमज बजा डाला, खल्लास हो गया ना? श्योर? वेरी गुड। कभी कभी पुलिस वाले भी ड्यूटी करते हैं और इसीलिए उनका प्रमोशन भी कभी कभी ईरानी रेस्टोरेंट में होता है। अरे वेलकम सर, एनी टाइम। सर, ये भास्कर के भाई को किसने मारा? पुलिस ने। यू मीन एनकाउंटर? तूने अपने भाई की शिनाख्त नहीं की ना, पुलिस ने फाइल बंद कर दी। साहब, वो मेरा भाई नहीं था। कपड़ा मार उधर। तू अपने भाई को ढूंढने आया था ना? कैसी हो? अब इन जिंदा लाशों में मुर्दा चेहरा कैसे ढूंढेगा, क्या करेगा? पुलिस वाला बनूंगा सर, आपसे अच्छा पुलिस वाला बनूंगा। पुलिस वाले खोए हुए लोगों को ढूंढते हैं और इसलिए आया था मैं आपके पास। आपने मेरा भाई नहीं, उसकी लाश ढूंढी। भास्कर पागल हो गया क्या? कैसा बात करता है सबके साथ? चल जा। सॉरी बॉस। नहीं कोई बात। तू पुलिस वाला बनना चाहता है ना? उसके लिए पढ़ना जरूरी है। पहले पढ़ाई पूरी कर। Napoleon would often speak of density, had a curious feeling of place of chance in human mentality. He knew how to read the moment as it comes, how to cooperate with events, correspondence, he posed, production, decision, confession that he पता है, ये पढ़ाई पुलिस वाला बनने के लिए कर रहा है। Taking its direction from the accidents of the time, confession. पता है, अपने मरे हुए भाई को ढूंढना चाहता है। अरे यार, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? कोई लफड़ा तो नहीं करेगा? अरे नहीं रे। ए संदीप, ये साइकोलॉजी का पेपर 13 तारीख को है ना? गर्दन 19। चलो
सीना 40, कमर 30, लंबाई 41, पहुंचा 18, सब इंस्पेक्टर भास्कर सरनायक आओ, मुबारक हो, अच्छे लग रहे हो। कैसा लग रहा वर्दी में? स्वाभिमान, इज्जत, विश्वास महसूस कर रहे हो ना? एक बात याद रखना, ये वर्दी तुमने किस लिए पहनी है? अपने भाई को खोजने के लिए। लेकिन अब ना जाने कितने खोए हुए भाइयों को ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर होगी। सर, ये जो कुछ भी है आपकी वजह से। 5 मिनट बैठो, मैं जरा पूजा कर लूं। सर, आप एकदम पंडित लग रहे हैं। जो जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। बिल्कुल सर। वैसे हम पुलिस वालों को तो मदद की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो यहां से मिले या वहां से मिले। ओम भूर्भुवस्वः। आपने बताया नहीं सर हम कहां जा रहे हैं। पुलिस वालों को असल जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ सीखना पड़ता है जो पुलिस एकेडमी नहीं सिखाती। जितनी जल्दी सीख लोगे सुखी रहोगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझ जाओगे। थामरे, बाजू ले लो। यहां क्यों रोक दिया सर? अभी यहां एनकाउंटर होने वाला है। एनकाउंटर? यहां एनकाउंटर किसका सर? निकाल रहे उसे। चल रहे, चल चल चल, हमने बुलाया तेरे को। चल रहे, चल। साहब, साहब, साहब छोड़ दीजिए साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब, साहब छोड़ दीजिए साहब। चल कंबल डाल इस पे। साहब माफ कर दो साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब, साहब नहीं, साहब मुझे मत मारो साहब, साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब मुझे छोड़ दो साहब, साहब। दूसरों का खून बहता नहीं देख सकोगे तो खुद का बहाना पड़ेगा, सोच लो। ये कत्ल है सर। कत्ल है? इधर आओ, पिस्तौल रख ले। देखो इसको, इसका नाम था परवीन सिक्का। कत्ल, फिरौती और अगवा करने के 34 मामले दर्ज थे इसके खिलाफ। हर बार साला बेल पर छूट जाता था। इसे कानून पर तुमसे ज्यादा भरोसा था।
वो जानता था कि कानून उसे सजा नहीं दे सकता। लेकिन सर इस तरह? इसी तरह एनकाउंटर करना पड़ता है। अगली बार तुम एनकाउंटर पर जाओ तो कंबल या कपड़ा ले जाना मत भूलना। आओ समझाता हूं। करीब से मारी गई गोली का कार्बन कपड़े पे रह जाता है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह दिखाएगी कि गोली दूर से चलाई गई थी। कानूनी मजबूरी है, एनकाउंटर पक्का नजर आता है। न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। कोई गर्लफ्रेंड है? वो जी सर। गर्ल सिर्फ फ्रेंड है या मामला सीरियस है? वो सर वो कभी ना कभी तो मैं उससे शादी करना चाहूंगा। जानता हूँ मानोगे नहीं, लेकिन एक सलाह है मेरी, शादी मत करना। जिन पुलिस वालों के नए साल के पहले दिन की शुरुआत किसी को मारने या मरने से होती है, उन्हें शादी करने का कोई हक नहीं। उनके लिए तो प्यार करना ही गलत है। सर मगर आप और भाभी तो इतने खुश हैं। आदिति मुझसे बहुत प्यार करती है और शायद बेचारी इसलिए कभी खुश नहीं रह सकती। पिछले 6 महीने में मुंबई के क्राइम रेट में बहुत बड़ा उछाल आया है। फिरौती, खून और अगवा के केसेस तो 4 गुना बढ़ गए हैं। शहर के बिजनेसमैन, फिल्म स्टार और दुकानदारों में तो पैनिक का माहौल है और मीडिया तो आग में घी डालने का बराबर काम कर रही है। यह देखिए, हर अखबार, हर मैगजीन के फ्रंट पेज और टीवी न्यूज चैनल पर बढ़ते हुए क्राइम की ही खबरें आ रही हैं। 2 महीने के बाद विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जरूर उठेगा और जवाब मुझे देना है। एनी सजेशन? सर, डिपार्टमेंट को अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जंग का खुला ऐलान करने की इजाजत मिल जानी चाहिए। एक स्पेशल स्क्वाड बनाया जाए जिसमें सब चुने हुए निशानेबाज होंगे और इस स्क्वाड पर किसी मुजरिम को जिंदा पकड़ने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके तो मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा सेशन से पहले हम अच्छे नतीजे दे सकेंगे। कहाँ है भास्कर सर? हाँ वो अंदर मिलेंगे। अंदर? आए तू? हाँ। कब आए? अभी अभी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा काम इतना खतरनाक है? कुछ नहीं आई, ड्यूटी है मेरी। रहने दे, रहने दे। ऐसा कुछ नहीं है माँ, तू फालतू में यहाँ किसी की बात मत सुनना। यहाँ शहर में लोगों को लंबी लंबी फेंकने की आदत है। ये लोग अखबार बेचने के लिए कुछ भी झूठी खबरें छाप देते हैं माँ। लेकिन ये तो झूठ नहीं है ना?
मैंने तय कर लिया है, तू अभी शहर में अकेला नहीं रहेगा, मैं तेरी शादी करवाऊंगी। शादी? मुझसे कौन बेवकूफ लड़की शादी करेगी माँ? तुझे सदाशिव जी याद है ना, अपने गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर? हाँ याद है, गणित पढ़ाया करते थे मुझे, और मुझे पहाड़े याद ही नहीं होते थे। बहुत मार खाई है मैंने उनसे। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं छड़ी वाले मास्टर की एक प्यारी सी बच्ची है, अदिति नाम है उसका, पढ़ी लिखी है, सारे अखबार पढ़ती है, खास करके जिसमें तेरी खबर हो। तू भी माँ। और ये, अच्छा ये वाला देख। ये देख, इसमें भी था, ये देख। आज तक किसी ने हमारे गांव में इतना नाम नहीं कमाया। तू ही बोल, आया किसी का नाम अखबार में? और तेरी तो तस्वीरें भी आती है, कितना अच्छा लग रहा है वर्दी में। तू वर्दी पहन के क्यों नहीं आया? कैसा मस्त दिखता था। आज तक तेरी जितनी भी खबरें और तस्वीरें छपी है ना, सब है मेरे पास। पहले पहले वो एसटी स्टैंड है ना, वहां जाकर मैं ले आती थी, वो पेपर वाला है ना, और अब तो वो खुद ही आकर मुझे दे जाता है। पागल है, 3-4 बार तो कन्नड़ और तेलुगु के पेपर भी दे गया। पागल है। यहाँ धागा बांधकर मन्नत मांगो ना तो मन्नत पूरी होती है, और फिर यहीं आकर अपना धागा तोड़ना पड़ता है। तुझे याद है जब तू घाटला गांव में राजू चिकना, करीम बाटला और दीनू पासपोर्ट का एनकाउंटर करने गया तो घायल हो गया था? तब आई तो गई थी तुझसे मिलने मुंबई, और मैं आई थी यहाँ पर मन्नत मांगने। फिर मांगी मन्नत मेरे लिए? नहीं मांगी। क्यों? अरे मेरी मन्नत पूरी हो जाती और इस गर्दी में मुझे मेरा धागा नहीं मिलता तो? चल आजा। अच्छा लग रहा है, अच्छे से खाना। हाँ क्या हुआ, तीखा लगा? अरे पर तेरी आई ने तो कहा था कि तू ज्यादा तीखा खाता है। बल्कि ज्यादा तीखा खाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने तो थोड़ा कम ही डाला। अरे कम तीखा है तो ज्यादा तीखा क्या होगा? स्कूल जाते वक्त मैं तुझे हमेशा खेलते हुए देखा करती थी, या तो तू तितलियां पकड़ता था या फिर कंचे खेलता रहता था। तू हमेशा जीतता था ना? हाँ सॉलिड, सब लड़के मुझसे जलते थे, अरे इतने इतने कंचे जीत के आता था। हाँ पर उस समय मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों? तेरी नाक हमेशा बहती रहती थी ना। पकड़ा। पागल। क्या हुआ, तू चुप क्यों है? क्या है, ज्यादा बोलने से मेरा जबड़ा दर्द करने लगता है। हाँ कभी कभी मेरा भी दर्द करने लगता है। माँ ने कहा कि तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। हाँ सो तो गाती हूँ। मुझे सुनाओगी? सुनो। अच्छा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? हा? बहुत अच्छा है। जो लिखा था सो के। बस बस यहाँ सामने रोक देना। नमस्कार भास्कर साहब। हाँ कैसे हैं? हाँ कितना हुआ भाई? अच्छा ये, थैंक यू। नमस्कार, पत्नी है मेरी, आओ आओ। नमस्कार। नमस्ते बेटा। आओ
ये सब लोग अपनी बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आओ। चले आजा आजा आजा, दे दे मुझे, दे दे, ये भी दे दे। नहीं ठीक है, तेरे हाथ में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आजा, ये है तेरा हॉल बैठक। पहले मैं जमीन पे ही बैठ जाया करता था, अब तू आ गई है ना, फर्नीचर ले लूंगा। वर्जिश का शौक है मुझे। आजा मैं तुझे तेरा किचन दिखाता हूँ। ये है तेरा किचन, पहले खाना बनाया करता था, सारे दोस्त बहाना बनाकर यहीं आने लगे, खाना खाने बंद कर दिया। किचन कैसा लगा? आजा आओ, आजा आजा आजा। ये है तेरा बाथरूम इंग्लिश टाइल्स के साथ, कैसा है? आ, मैं तुझे तेरा बेडरूम दिखाता हूँ। ये है तेरा बेडरूम, गद्दा थोड़ा फटा है, नया आ जाएगा, कैसा लगा? आ आदिति, मैं हूँ तो एक सब इंस्पेक्टर ही, और अखबारों में नाम और फोटो छपने से यहाँ घर का साइज बड़ा नहीं होता, पर घर है तो अपना ही, रह लेंगे साथ, है ना? कैसा लगा? हूँ क्या, क्या सोच रही हो? नहीं, क्या? मैं सोच रही थी कोई क्या? अच्छी सी जगह मिल जाए ना इस गमले को रखने की। हाँ। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? यहाँ देख, यहाँ कैसा लग रहा है? हंस क्यों रहा है? पागल पागल तो तू लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा है सर ये भाई, मीठा तो बहुत सीधी है सर, और थोड़ी पागल भी, मुझे अमिताभ बच्चन समझती है। पुलिस वाले की बीवी होने के लिए पागल होना जरूरी है। मेरी बीवी मुझे दिलीप कुमार समझती थी, क्योंकि मैं उसे कविताएं पढ़ के सुनाया करता था। अच्छा, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल गया कि कविताओं के मुकाबले में दूसरों की जान लेना मेरे लिए और भी आसान है। वो क्या हुआ कि एक बार पठान गैंग के एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाल बिछाया, मैं और मेरे आदमी कस्टमर बनके स्टोर में फैल गए। मैं परफ्यूम काउंटर के पास खड़ा था, सब ठीक ठाक था। ठीक 11 बजे वो हिटमैन मेन दरवाजे से अंदर आया, तो मेरे आदमियों ने दरवाज़ा कवर किया। मैंने उसे अरेस्ट करने के लिए जेब से पिस्तौल निकाली, अचानक मेरी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा वो शॉपिंग के बड़े बड़े बैग लेकर मेरी तरफ आ रही है। तब मुझे याद आया कि वो आज शॉपिंग करने जाने वाली थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था वो इसी स्टोर में आने वाली है। मेरा नाम सुनकर वो हिटमैन ठिठका, उसने जेब में हाथ डाला। इसके पहले कि वो अपनी पिस्तौल निकाले, मैंने गोली चला दी। खून से लथपथ उसकी लाश सीधे मेरी बीवी के ऊपर गिरी। वो जोर से चीखी और बेहोश हो गई, पेट से थी। जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए, थोड़ी देर बाद उसे तो होश आ गया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। उसे बहुत सदमा लगा, उसे लगा मैं खूनी हूं। मैंने बहुत समझाया कि देखो हम पुलिस वाले ये शौकिया नहीं करते, अपनी जान बचाने के लिए करते हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए करते हैं। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, वो मुझे छोड़कर चली गई। एक दिन इसे भी पता चलेगा कि असल जिंदगी में लोगों की जान लेने वाला फिल्मी हीरो नहीं होता। हाँ बोल रहे, कब कहाँ? ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। भाई के एक और चले की आई है, चल चल चल। कितनी देर लगा दी, एक टेलीफोन कर दिया होता।
मुझे आज एक आदमी मारना पड़ा। एक दिन इसे भी पता चलेगा कि असल जिंदगी में लोगों की जान लेने वाला फिल्मी हीरो नहीं होता। क्रिमिनल था, डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। और किसी क्रिमिनल को मारना कोई फिल्मी हीरो जैसा काम नहीं है, ड्यूटी है मेरी। ये जो खून तू देख रही है ना, उसी आदमी का है जिसे एक घंटे पहले गोली मारी है मैंने। क्या देख रही, क्या सोच रही? यही ना कि छोड़ देगी मुझे क्योंकि मैं किसी और के खून से लथपथ घर लौटा हूं? नहीं, फिर मैं सोच रही थी कि क्या ये धब्बा तेरे शर्ट से निकालूंगी कैसे, पहले कभी खून धोया नहीं ना। पागल क्या कहने लगा? ये गोखले साहब भी ना बेकार में। वो आ रहे हैं क्या खाने पे? ए तू जाना। हेलो हेलो, जरा भास्कर को फोन दीजिए। ए चला है? वो नहीं है। हैं? नहीं है? कहाँ गया? पता नहीं। जब आ जाएं तो कहिएगा गोखले को फोन कर लें फौरन। ख्वाबों में लड़ता है शायद, नींद में जाने क्या कहता है। भास्कर खुद से खुश रहता है, भास्कर खुद से खुश रहता है, भास्कर खुद से खुश रहता है। इसे तो जानते हो ना? दी? बहुत मालदार दिख रहा है, चेहरा बहुत बदल गया, लेकिन है अधी सर। तुमने कहा था ये शहर छोड़कर चला गया है, लेकिन ये नहीं गया। आओ, ये इस शहर का ही नहीं, इस देश के पूरे अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक हिटमैन है। हर गैंग इसे पैसा देकर कत्ल करवाती है, क्योंकि सुपारी उठाने के बाद ये चूकता नहीं। कल ही इसने पठान के खास आदमी को उड़ाया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है 24 घंटे के अंदर, यानी आज ही, वो पठान के एक और खास आदमी मोहन पुजारी को उड़ाने वाला है। कहाँ पर सर? जू मून नाइट डांसिंग बार में, जहाँ वो एक अलका नाम की लड़की से मिलने जाता है। उस लड़की ने ही टिप दिए, अधी को खत्म करना है। अधी को मारना है? यकीन नहीं हो रहा है सर। यकीन कर लो, वरना जिस दिन उसे पता चल गया कि तुम्हें उसके पीछे लगाया गया है, सबसे पहले वो तुम्हें मारेगा। चलो। सबको पता है ना क्या करना है? यस सर। Come on, take your position. बनारसी पान लगा रहे।
छड़ी को ऊपर ले जाके क्या करेगा मेरी जान? ए भाग मारे, चलो चलो सब। क्या हुआ तुम्हें? निकल क्यों जाने दिया उसे? सर, बीच में इतने सारे लोग थे, गोली किसी को भी लग सकती थी। लेकिन उसने तुम पर गोली क्यों नहीं चलाई? पता नहीं सर, शायद उसे भी ये लगा हो कि गोली किसी को भी लग सकती है। पर आप चिंता नहीं करें सर, मैं उसे टपकाऊंगा। अरे ऐसे टपकाने से कोई टपकता नहीं है, कितनी मुश्किल से हाथ में आया था, अब और अलर्ट हो जाएगा। तुम घर पे सोते रहना, बीवी से कहलवा देना कि तुम घर पे नहीं हो, और सीपी ऑफिस में जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। शिट, चलो लेके चलो इसे। सुन, तू जल्दी से नहा ले, मैं खाना लगाती हूँ। आज मालूम है मैंने तेरे लिए क्या बनाया है? पूरन पोड़ी, तेरे को बहुत अच्छी लगती है ना? कल रात को गोखले साहब का फोन आया। हाँ? तो तूने झूठ क्यों बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ? उनको थोड़ी पता चलेगा, वो ही छोड़कर गए थे मुझे घर पर। हाँ? तू थक के ऐसे सोया हुआ था ना, तुझे जगाने का मन ही नहीं किया। देख आदिति। हाँ? अगली बार किसी का भी फोन आया ना, किसी का भी फोन आया तो मुझे उठा देना। लेकिन मैं तो मर भी गया ना तो मेरी लाश को उठाओगी, लेकिन उठाओगी, समझी तुम? सॉरी, माफ कर देना, गलती से बोल दिया। अब रोना बंद करना, वो तो ऐसी गुस्से में सॉरी तो बोल रहा हूँ। सुन 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 मेरी बात, सुन सुन मेरी बात। तुझे मालूम खाने में मुझे क्या अच्छा लगता है? क्या? पूरन पोली बनाएगी मेरे लिए? येड़ा, वो ही तो बना रही थी मैं। पूरन पोली बनाई? तूने सुना नहीं क्या? किस दुनिया में रहता है तू? हाँ? पूरन पोली बनाई अगले, और इतना सारा डांट भी दिया मुझको। पूरन पोली बनाई। भास्कर अदि क्या कर रहा था मेरी जान तू उस मून नाइट बार में? और तू इस शहर में क्या कर रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना गांव वापस चला जा, नहीं माना तू। देख क्या हाल कर लिया अपने साथ, भाड़े का टट्टू हो गया है। अरे एक बार ये तमंचा उठा लो ना तो फिर छूटता नहीं है, चिपक जाता है हथेली से। तेरे पास भी तो है डार्लिंग, फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों की टीम बदल गई है, लेकिन एक तो मरेगा हम में से। एक बार पुरानी दोस्ती ने तेरा हाथ रोक लिया था, आज मेरा रोक लिया है, पर अगली बार मारना पड़ेगा तुझे। क्या करो डार्लिंग, इट्स माय बिजनेस। मेरा भी अगली बार दिख गया ना, समझ जा गया। अरे तेरा चांस नहीं है मेरी जान, नहीं है तेरा चांस। खैर छोड़, बीवी खूबसूरत है तेरी, सब खबर रखता हूं मैं तेरी। तू क्या समझता है खबरी सिर्फ तेरे पास है? पर एक बात सुन भासु, खूबसूरत बीवियां अक्सर बदसूरत विधवाएं बनती हैं। मेरी बात मान, उसे लेकर गांव चला जा। अरे डार्लिंग, ये शहर एक जंगल है, जंगल फॉरेस्ट। अरे जो लड़का साला एक तितली ना मार सके
उसको ये शहर बहुत जल्दी मार देगा। आदि, मारूंगा तो मैं ही तुझे, समझा? गुड बाय डार्लिंग। समझ रहा है कि नहीं आदि? अरे रंगिया, पर चोरी शुरू के लिए तू है? नहीं साहब, अपन चोरी नहीं किया साहब। फिर मोबाइल से फोन क्यों किया था? किधर से आया मोबाइल तेरे पास? वो साहब, वो छोड़ो ना साहब, एक नई खबर है साहब। बोल। साहब, इधर कुछ लोग रहने को आया साहब। क्या बोलते हैं? साहब, बड़े बड़े बैगन साहब, देसी भी और विदेशी भी, 47 किरानी भी है साहब। पक्की खबर है? हाई शपथ साहब, पक्की खबर है। तो तेरे को मालूम है ना, सिर में गोली मारेगा। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल पक्की खबर है साहब। कितने लोग है उधर? साहब 4-5 लोग हैं साहब। हथियार किधर रखा है? साहब उधर खोली में साहब। चल पता बता। साहब वो पान की दुकान है ना साहब, उसके बाजू में साहब। ले। क्या साहब, सिर्फ 100 रुपया साहब? आजकल मोबाइल से फोन करना कितना महंगा पड़ता है साहब। तेरा पेट नहीं भरेगा। थैंक यू रख। चल पता बता। चल चलिए साहब। जादव तू पीछे से पोजीशन ले, संजीव तू साइड से पोजीशन ले, और पठारे तू मेरे साथ आ। शान पत्ती करे टपका देना, बाकी मैं देख लूंगा। देख साले, पक्की खबर है ना, नहीं तो तेरे को टपकाएगा अपन। हो रही आपकी मंजिल साहब। क्राइम ब्रांच, ए शाले उठ उठ इधर आ, ए ए उठ उठ उठ, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? इसको दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो दिल का नहीं, मिर्गी का दौरा पड़ा है। देख, जूता सुंघाता हूँ। तू भागे। अरे रुक जा, तो गोली मार दूँगा शाले। ज़्यादा साले तो पुलिस क्या आती है? अरे तेरी तो रुक जा। ले जा साले को, मासूम लोग को मारेगा मुंबई पुलिस के सामने। जा रहा हूँ मैं आगे से, देखता हूँ तुम लोग पीछे से डाल दो सालों को, बात करने का मौका मिलेगा नहीं उनके साथ। यस सर। टपका देना सालों को। ओके सर। बता दो सबको। सर वी ऑल सेफ, ऑपरेशन सक्सेसफुल सर। टीम को मार गिरा और एक को पकड़ लिया सर, और उम्मीद है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। राइट सर। तेरी तो मार मार क्या रे? अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो तूने तो रामजी भाई को टपका दिया होता। तेरे को सुपारी किसने दिया? बोल। नहीं मालूम साहब, एक आदमी आया था, हथियार दिया। अबे बोल साले। साहब बोलता हूँ, अब बोला कि घोड़ा दबा देने का। शिंदे ध्यान रख तू। साहब साहब, मेरे को जाने दो साहब, पैर छूटा साहब, मेरे को जाने दो साहब। साहब मुझे माफ कर, मुझे जाने दो साहब। इधर आ साहब। तेरा नहीं? नहीं साहब। हैं? मेरा छोड़ बोलेगा साले, विदेशी साला। अपने पास तो देसी माल, सरकारी कैसे चलाते हैं इसको? मेरे को नहीं मालूम। दिखा दिखा। नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। दिखाना लेना।
भास्कर यहाँ फन रिपब्लिक में एनकाउंटर किया है, एम्बुलेंस भेज दो, बचाना जरूरी है। कमाल, जान लेना भी कितनी आसानी से आदत बन जाती है। सर मगर आपके बारे में तो अखबारों में कितना कुछ छप चुका है, अरे मीडिया के तो हीरो हैं आप। अखबारों का क्या है, मुझे विलेन बनाने से अगर उनका अखबार ज्यादा बिकता तो मुझे विलेन बना दिया होता। और हीरो की तो छोड़ो कपिल, कभी कभी आम आदमियों को जो खुशियाँ मिलती हैं ना उन्हें मनाने से भी डर लगता है। आदिति कहाँ हो यार? अरे सीपी साहब के साथ इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा था, तुमने मुझे घर पे बुला लिया, फोन पे बता दिया होता यार। फोन पे बताने वाली बात नहीं थी। अरे ऐसी क्या बात थी जो फोन पे नहीं बता सकती तुम? तू बाप बनने वाला है समझा? क्या क्यों तू खुश नहीं है? तू जानती है मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या? ए मुंबई वालों, ए भास्कर सन्ना बाप बनने वाला है, देख रे पागल हो गया क्या भास्कर? चुप कर, ऐसे चिल्ला मत, ये सब सोचेगी पागल है भास्कर। खुश तो बहुत है पर आदिति तू तो जानती है काम को लेकर आजकल मेरी हालत क्या है। फिलहाल मैं एक और जान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि तेरे पास समय नहीं है, पर मेरे पास है। मैं सारा दिन करती क्या हूं, हाथी जाती बसें गिनती हूँ, गमले में पानी देती हूँ, टीवी के बासी प्रोग्राम देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारा समय है, समझे? समझता हूँ मैं तेरी बात, बुरा मुझे भी लगता है तेरे लिए, पर क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, ड्यूटी है मेरी। और याद है, अरे तू ही तो इस पुलिस वाले से शादी करना चाहती थी। सुन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और तेरी खुशी अगर इसी में तो यही सही। और जानती है मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? क्या? पकड़ी हुई तितलियों को आजाद कराना। क्या नहीं समझी ना? नहीं। अरे एड़ी समझेगी भी नहीं। ए येड़ा, तू है येड़ा। ये हमारे चैनल को दिया गया सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू है जुन की दुनिया के खतरनाक हिटमैन मिस्टर अधी का। मिस्टर अधी। अधी चिकना। पिछले कुछ अरसे में सब इंस्पेक्टर भास्कर अंडरवर्ल्ड के 22 खतरनाक हिटमैन को निशाना बना चुके हैं। उनका कहना है हिटमैन अंडरवर्ल्ड के हथियार हैं, इन्हें खत्म करना शुरू कर दो, गैंग अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके हाथ से आज तक आप कैसे बचे रहे? दो बार सामना होने के बावजूद वो आपको मार क्यों नहीं सके? आपको नहीं लग रहा है थोड़ा फ्लैट लग रहा है एकदम? ऐसा करो ना, ये उधर से पहन करके लाओ, अच्छा लगेगा। भासु मुझे नहीं मार सकता है। भासु? हाँ भासु, मेरी जान, इसी नाम से बुलाता हूँ मैं उसको। भास्कर सरनायक मेरे बचपन का दोस्त है, वो सबको मार सकता है लेकिन मुझे नहीं मार सकता है। एक मिनट। हेलो प्रीति। हाँ, अरे मेरा टीवी का इंटरव्यू चल रहा है। अरे बाबा शूटिंग रे। हाँ बाद में तेरे को फोन करता हूँ, चल भाई। एक बात और बताता हूँ आपको, 5 साल पहले मैं एक चोरी के केस में पकड़ा गया था, मेरा बेल उसी ने कराया था, गिरगांव कोर्ट 42 नंबर। दिल का थोड़ा कच्चा है भासु, एक बार तो तितली के नाम पे लिपक गया था, वो भी एक किस्सा है, सुनाऊंगा आपको। आ रही हूँ। अरे तू, मैंने सोचा इस्त्री वाला। हाँ जितनी जल्दी कैसे आ गया? आज के बाद देर से नहीं आऊंगा। मतलब? क्योंकि जाऊंगा ही नहीं शायद। क्या हुआ? सस्पेंड कर दिया मुझे। क्या? ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। कहते मैं शहर के वांटेड अधी का दोस्त, अधी मुझे रिश्वत देकर खुद को जिंदा रखता है,
और मैं उस पे जानबूझ करके गोली नहीं चलाता। बकवास है सब, कौन मारेगा, कौन मारेगा मेरी बात। बस कर रे, कौन मारेगा मेरी बात। ए, तेरे को मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता? हाँ बना रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर। हो गया क्या? नहीं, अरे सारे किचन का सत्यानाश कर दिया। अरे हटना, शक्ल देखी है तूने अपनी? देख ऐसा खाना बनाऊंगा कि तुझे मजा आ जाएगा। ये भगवान, अरे इतने दिन ईरानी रेस्टोरेंट में काम किया है मैंने, अब तू जा यहाँ से, बस बहुत हो गया। अरे हो गया ना, कहा ना मैंने, अब तू जा, मैं खाना बनाती हूँ। उफो, ओहो, ये क्या कर रही तू? चाय के पौधे में पानी दे। डार्लिंग, मेरे को तेरे से मिलना है। मिलूंगा तुझसे डॉकयार्ड, हथियार के बगैर। लाने के लिए हथियार है भी नहीं मेरे पास, सरकार ने पिस्तौल वापस ले लिए। ठीक है, कल शाम 7 बजे डॉकयार्ड। बाय डार्लिंग। हथियार लेकर आया, क्या जरूरत थी इसकी?
सॉरी डार्लिंग, क्या है ना, तुझसे मिलते वक्त थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सरकार ने तुमको लाइसेंस जो दे रखा है लोगों को मारने का। मुझसे क्यों मिलना चाहता था, इतनी बेइज्जती करा दी काफी नहीं? उसके अलावा तेरे को मुकाबले से निकालने का और रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास, सिर्फ वो तितली वाली कहानी तो थी। हंस मत, तुझे मारूंगा तो मैं ही, तय ये बात, तू मेरे हाथ से मरेगा। अच्छा? हाँ। इतना भरोसा है तुझे? हाँ, सरकार ने मुझे क्रिमिनल्स को मारने की ट्रेनिंग दी है। तू और तेरे आदमी तुक्के से कत्ल करते हैं, हम तैयारी से। लंबी रेस में दौड़ना तो क्या, चल भी नहीं पाएगा मेरे साथ। तेरी दौड़ तो वैसे ही खत्म हो गई दोस्त, पहले सस्पेंशन फिर टर्मिनेशन। नौकरी से निकाले गए पुलिस वाले के पास ना तो मारने की ताकत होती है और ना ही परमिशन, और फिर भी अगर तूने मुझे लपेट लिया ना तो कत्ल का मुकदमा चलेगा तुझ पर, सोचना तू इस बारे में। यार बहुत दुख होता है यार तेरी ये नाजुक हालत देखकर। क्या करूं, तेरे बचपन का दोस्त जो ना नौकरी ना इज्जत, एक अदद बीवी वो भी पेट से। अरे इतना हैरान मत हो, तेरे को बताया था ना अपना भी नेटवर्क सॉलिड है। हाँ देख भासु, तू मेरी बात मान, तू गांव वापस चला जा, ये शहर तेरे जैसों के लिए नहीं है, मेरे जैसों के लिए है। अरे तू साला अभी वैसा का वैसा ही है, बोला इसीलिए तो गोखले की बात मान गया, मुजरिम को मारने से जुर्म खत्म हो जाता है। मेरी बात मान, माँ के पास वापस चला जा, और सुन, माँ को मालूम है कि तेरा भाई मारा गया, इसलिए अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ और वापस लौट जा। ठीक है सर। ए भास्कर, तुम कब आए? 2 घंटे पहले सर। तुम 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हो? आजकल इंतजार करने के अलावा कुछ काम ही नहीं है सर, मुझे ड्यूटी पर कब बुलाया जाएगा? देखो तुम रोज रोज यहाँ मत आया करो, एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर के लिए रोज इस तरह आकर नौकरी के लिए भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, मजाक बन जाता है। इतनी मजबूरी दिखाओगे तो हो सकता है तुम्हारा तबादला किसी छोटी मोटी चौकी पे कर दें, वहाँ फिर सब्जी भाजी वाले से हफ्ता वसूलने के सिवा तेरे पास कोई काम नहीं होगा। जब काटने के लिए पूरा दिन खड़ा हो और करने के लिए कुछ भी नहीं तो बहुत बेइज्जती महसूस करता हूँ सर। बेइज्जती महसूस करते हो? बेइज्जती की बात कर रहे हो मेरे सामने? 30 साल की सर्विस के बाद अभी तक सब इंस्पेक्टर हूँ। जब मैंने पहली बार वर्दी पहनी थी तो जो बच्चे उस वक्त चड्डी पहनते थे वो मेरे सीनियर बने बैठे हैं, रोज सलूट ठोकना पड़ता है उनको। बेइज्जती की बात करते हो? फिर मैं क्या करूं सर, क्या करूं मैं? वही करो जो मैं कर रहा हूं, सब्र। सब्र के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। हेलो। नमस्ते। हम लोग श्री भास्कर सरनाई की सस्पेंशन की जांच पड़ताल कमेटी के सदस्य हैं। हाँ। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी किस लिए? हमें खबर मिली है कि आपके पति ने अंडरवर्ल्ड से लेन देन में काफी पैसा कमाया है। क्या? खास तौर से अदी नाम के एक आदमी से। हाँ? कहाँ है आपके पति? वो गए, वो राशन की दुकान में गए बनिए से बात करने कि अगर वो हमें और उधार देगा कि नहीं। आपको मालूम नहीं है जिनके पास बहुत पैसा होता है ना वो लोग ऐसे ही करते हैं। आइए ना, आइए आइए, हमारे पास कहाँ कहाँ काला पैसा छुपा है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। आइए आइए आइए, मैं दिखाती हूँ ना आपको सारा काला पैसा, जल्दी आइए। ये देखिए, ये देखिए कितना सारा है ना हमारे पास। हा? और देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टीवी भी हमारे पास। हाँ लेकिन माफ करिए चलता नहीं है। हाँ एक और चीज दिखाती हूँ, ये देखिए मिक्सी कितनी अच्छी है ना लेकिन चलती नहीं है। पासबुक, पासबुक देखेंगे आप,
ये देखिए पासबुक, लाखों रुपए इसके अंदर, पर बैंक वाला इतना बुद्धू है कि सिर्फ 127 लिखे हैं। देखा आपने? कैश कैश दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ ये देखिए, क्या में लाखों है, हाँ आपने तो बहुत देखा होगा, क्यों लाखों रुपए इसके अंदर हमारे पास। हाँ एक रात की बात बताओ आपको, हाँ मेरी माँ ने ना 4 सोने की चूड़ियां दी थी मुझे, अभी अपने गिरवी पे रखी है, पर जैसे और ज्यादा पैसा आएगा ना हम जाके छुड़ा लेंगे। अच्छा आपने ठीक पकड़ा। आपकी तबीयत मैडम, आप मेरी चिंता मत करिए सर, आप रहने दीजिए मैडम। ये देखिए देखिए, ये सारे हमारे प्रॉपर्टी के कागज है, ये सोना है, ये हीरे जवाहरात सब है, लीजिए सारे घर की तलाशी आप। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, आप मिलेंगे नहीं, आप मिलेंगे नहीं उस रिश्वतखोर से, उस नमूने से जिसे सारे पैसे घर में भर रखे। बैठिए, नहीं आप बैठिए, चाय कॉफी ठंडा सब है यहाँ पर। मैडम हमें यहाँ आना पड़ा, ये हमारी ड्यूटी थी, प्लीज आप मुझे ड्यूटी मत समझाइए, समझे? क्या हो रहा है, कौन है, कौन है तू, कौन है, क्या हुआ? ये सब इंक्वायरी कमेटी के लोग है, जो सारा पैसा तुम्हें अंडरवर्ल्ड से मिला है ना, जो हमने छुपा के रखा है ना, वो ढूंढने आए। देखिए हम समझ सकते हैं कि आप लोग इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी, आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए, आ जाओ। भासु, ये क्या कर रहा है तू? तूने कहा था ना पानी देने को, दे रहा हूं, वरना बेचारा मर जाएगा। ये मर चुका है भास्कर, सस्पेंड होने के बाद से तूने इसमें इतना पानी डाला है कि इसकी जड़ें सड़ गई हैं। अब बस कर, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं मैं, बता मैं क्या करूं, टेलीविजन के बाहरी प्रोग्राम देखता रहूं, या आती जाती बसों का साउंड सुनता रहूं, या समुद्र के किनारे जाके लेट जाऊं, बता मैं क्या करूं? भास्कर शांत है, कोई जवाब तेरे पास? देख देख हम यहाँ से चलते, हाँ हम गांव वापस चलते, बस हो गया, ऐसे, बस हो गया। ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, अपने नाम पे उछले सारे धब्बे धो डालूंगा मैं, देखना तू, इस तरह डरपोक की तरह भाग के नहीं जाऊंगा आदिति, देखना तू। हाँ भासु ठीक है, चल चल अब सो जा, हाँ सो जा। सर मुझसे और उसे ऐसा देखा नहीं जाता सर, कैसी अजीब अजीब हरकतें करने लगा आजकल, आधी रात को उठता है, मरे हुए पौधे में ढेर सारा पानी डालने लगता है, पावले की तरह सारा रसोई घर इधर उधर करके खाना बनाने लगता है सर, समझ में नहीं आता क्या करे, अंदर से बिल्कुल टूटता जा रहा है सर, उसे बचा लीजिए, आप चाहे तो उसे उसकी नौकरी दिलवा सकते हैं सर, बस हिम्मत रखो हिम्मत। सर मैंने उसको कहा हम लोग सब कुछ छोड़ के गांव चलते हैं, उसके लिए भी नहीं माना सर, कैसा एकदम सा जुनूनी हो गया सर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भास्कर से नफरत करते हैं, क्योंकि मुजरिमों को ठिकाने लगाने में भास्कर उनमें सबसे ज्यादा कामयाब है। जो आदमी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से करता है लोग उससे डरते हैं, और जो किसी से डरता है वो कहीं ना कहीं उससे नफरत भी करता है। निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। कैसे सर, कब तक कैसे चलेगा,
भास्कर ने कोई गुनाह नहीं किया है। वो हमारी फोर्स का सबसे होनहार ऑफिसर है। मुझे पूरा यकीन है कि भास्कर के साथ इंसाफ होगा। धीरज रखो। सर, मगर सस्पेंशन खत्म होकर आपको नौकरी वापस कैसे मिली? मुझे पता नहीं कौन जिम्मेदार था, किसके कारण ये सब हुआ, पर गोखले साहब ने कहीं ना कहीं जोर जरूर लगाया होगा। मानते नहीं हो इस बात को, पर मुझे यकीन है सब कुछ उन्होंने ही किया है। कपिल, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता, जिस दिन मुझे नौकरी पर वापस रखा गया मुझे लगा मेरा दूसरा जन्म हो गया। आओ, कल ही खाली करवा के साफ करवाया है। मुझे मालूम था तुम बहुत जल्द आने वाले हो। लारे, थैंक यू सर। भास्कर, कांग्रेचुलेशन यार। थैंक यू, मुबारक हो। रात को पार्टी चाहिए? हाँ, ए, पार्टी मिलेगा रे, चलो ड्यूटी करो। एक टिप देता हूँ सर। अबे, एनकाउंटर के लिए नहीं, अपनी नौकरी बचाने के लिए। कुछ दिन के लिए कुछ मत कर, सिर्फ चुपचाप बैठ और सल्यूट मार। सर। वेरी गुड। अरे आदिति, आओ आओ आओ। क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपके लिए थोड़ी सी खीर लाई थी। खीर? हाँ, हमारे गांव में ना एक रिवाज है, कोई किसी के लिए कुछ करता है ना तो हम उसे खीर देते हैं। मैं आपको थोड़ी लाके देती हूँ। हाँ, अरे मैंने क्या किया है? अगर तुम्हारा मतलब भास्कर से है तो भाई देखो, भास्कर के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई, कुछ नहीं निकला, उसे नौकरी वापस मिल गई, तो इसमें मैंने क्या किया है? लीजिए, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब सारी दुनिया उसके खिलाफ थी, आप ही का सहारा था। अरे ये क्या कर रही हो? अच्छा देखिए कैसी बनी है। अच्छी बनी होगी। Oh, he's hit that well. That's too short. Exactly what we were saying. Cannot afford to do that to Gilchrist in particular. That's a very good full shot. That, in fact, is one of the things that the Indians have not done in this World Cup. So perhaps the pressure just getting to them a bit. Yes, and also being intimidated. And that's what a batsman who has a reputation of being an aggressive... Salam, sahab. That's one of his favorite shots. He gets into position so... Arangya, bol. साहब एक बहुत बढ़िया खबर लाया हूँ साहब। बोल बोल। साहब वो 500 का छुट्टा मिलेगा साहब। हरामी साला, सुअर की चमड़ी अपनी जात दिखा दिया। नहीं साहब, वो टैक्सी वाले को देना था साहब, नोट अपन देता है साहब। चल चल खबर बोल। खबर ये है कि कल शाम को 5 बजे बच्ची पांडे अपुन के अड्डे हफ्ता वसूल करने आएगा। ये अति का खास आदमी है साहब, एक बार ये हाथ में आ गया ना साहब तो अति तो समझ लो आपकी जेब में साहब। साहब यही आदमी है जो अति का हथियार सप्लाई करता है साहब। पक्की खबर? बिल्कुल पक्की खबर है साहब। भास्कर से झूठ बोलेगा तो सिर में गोली मारेगा। अरे नहीं नहीं साहब, अपन कभी झूठ बोला साहब। चाय ठंडा? ठंडा ले लूंगा साहब। ए पांडू, ठंडा दे इसको, चल निकल। सलाम साहब। वो लड़की के फोटो वाली किताब दियो। गर्मा गर्म चाय बोलो, गर्मा गर्म चाय, चाय गर्मा गर्म।
चाय, चाय बोलो चाय। यार्ड में आखिरी पटरी पर तीसरी बोगी, गरमा गरम चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो। आया भाई साहब, चाय गरम, गरमा गरम चाय बोलो चाय। साले में क्या? नहीं कुछ नहीं, साले हथियार सप्लाई करता है। दो चार पाँच छह सात, कितने हथियार है बता? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मार्केट कब आया था साहब? नहीं साहब, नहीं मार्केट कब आया था? अबे कोई नहीं जाता मैं। शंकर टिंगू, पुष्कर चिकना, अमीन जड़ी, जाहिद बाटली, टॉपिक टेम्पो, बस इतने से खबरी। पुलिस डिपार्टमेंट में किसी हवलदार को जुलाब भी लगता है ना तो उसकी खबर अधी को लग जाती है। उसके इतने से आदमी और कितने लोग हैं? जाहिद बाटला, राजेश कालिया और सूफी सुलेमान, आपस में इतने लोगों को जानता हूँ। कहाँ मिलेंगे? वो बांद्रा का बस स्टॉप है ना, उसके पीछे वो पुराना होटल है ना शालीमार, वहां पे। और अधी, अधी कहाँ मिलेगा? देख बच्ची, तू मुझे अधी की खबर दे दे, मैं तुझे छोड़ देगा। साहब मेरे पास बस उसका एक फोन नंबर है। फोन नंबर 98200। हेलो, ले बात कर, अंदर जाके बात कर। अरे भैयो, बच्ची पांडे बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ भाई, आज ही आया मुजफ्फरपुर से, वो तमंचे लाया था आपको दिखाने के लिए, जब आप समय दें। शुक्रिया साहब। तेरे मेरे बीच तितले हो, खेल खत्म हो गया। कहीं भी छुप जा, निकाल के मारूंगा, आसपास ही हूं मैं तेरे। ए सलीम, जल्दी चल, जल्दी चल। हेलो भास्कर जी, अदिति को लेबर पेन शुरू हो गया है। यहाँ पर कोई नहीं है, हम उसे लेकर सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ तुम लोग वहाँ पहुंचो, मैं वहाँ पहुंचता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल तेरे पर गया है, और देख आग भी खोल रहे है, शायद मेरी बात सुन रहे है। देखो इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारे समान है। तूने बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गया था? अरे ए छोटा बेबी, तूने बहुत देर लगा दी, काम था क्या? हाँ ड्यूटी कर रहा था। कैसा लग रहा है? खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का कोई हिस्सा अलग हो गया हो। जानती अदिति, किसी जान को जन्म देने में जितनी तकलीफ होती है ना, उतनी तकलीफ किसी इंसान को जान से मारकर मुर्दा घर पहुंचाने में होती है। बहुत खाली खाली सा लगता है। ओम अग्नि देवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवता भ्यो नमः स्वाहा,
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगन सदृश्यमेघवर्णं शुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगगुरुविज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं नमामि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य। कौन बोल रहा है? अदि बोल। अदि बहुत शौक है ना तुझे गोली चलाने का। अगर मैंने चलानी शुरू की तो बीवी बेटा माँ किस किस की लाश उठाएगा तू? बस तीन ही लाशें गिनवा सका ना तू? उठा लूंगा। लेकिन तू शायद भूल गया दी, तेरे खानदान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। छोटे बड़े मिलाकर कुल 27 लोग हैं तेरे यहां। एक एक करके मारूंगा सबको, 27 लाशें गिरेंगी और उसके बाद तुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू तो खुद जिंदा लाश हो जाएगा। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा। भास्कर जी, बच्चे का नाम क्या रखा है? अच्छा, ठहरो ठहरो। बच्चे का नाम अक्षय, अभिषेक, ऋतिक नहीं, गौरव रखा गया है। वाह वाह। क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ? भासु, एक बात बोलो, तू बुरा तो नहीं मानेगा ना? अरे नहीं नहीं, बोलना। अरे बोलना, क्या हुआ? आज तक ना मुझे सिर्फ तेरी चिंता लगी रहती थी, पर जब से मुन्ना पैदा हुआ है पता नहीं क्यों मुझे तुझसे बहुत डर लगता है। अरे कैसी बात करती हो, मुझसे डर लगता है? हाँ, कितनी हिंसा भरी है तेरे में। अरे देखो, हम पुलिस वालों की ड्यूटी ऐसी होती है। मुझे मालूम है तू लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा ना, पर है तो हिंसा ही। जब देखो दिन रात सोते जागते खून, पिस्तौल, एनकाउंटर, अंडरवर्ल्ड, क्रिमिनल, पंचनामा, यही सब शब्द तेरी जबान पे रहते हैं, यही तो सुनेगा ये? मैं इसे क्या समझाऊंगी? हाँ, ये 3 साल का हो जाएगा तो क्या ये खूनी और पुलिस वाले का फर्क समझ पाएगा? बस उस दिन आखिरी बार आदि से मेरी बात हुई थी, मुन्ना के नामकरण के दिन। अब मुन्ना भी 5 साल का हो गया है, उसके बाद पता नहीं कई सालों के लिए कहां गायब हो गया। आज पता चला है कि वो जिंदा है। बस एक बार मिल जाए। इंफॉर्मेशन क्या है? सर, पूर्णिमा नाम की एक बोट से कुछ लोग आदि से मिलने आ रहे हैं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सुपारी है। नाम? सर नाम तो पता नहीं,
लेकिन अगर आदि इसमें कामयाब होता है तो वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रैकेट में चला जाएगा। बोट कब आने वाली है? पता नहीं सर, आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड सी। सर, भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ भाई भास्कर, कैसा चल रहा है? हम अधिक इंतजार कर रहे हैं सर। अधि हमेशा से ही बहुत चौकन्ना था। जब तक उसे अपनी सेफ्टी का इत्मीनान नहीं हो जाता, वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। उसके पास भी तो खबरी हैं। हमारी हर चाल का उसको पहले से ही पता चल जाता था। इस बार नहीं, इस बार इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके, मेरे और कपिल के अलावा और किसी को नहीं। ईश्वर करे तुम सही हो, काश इस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता। लेकिन आज ही रिटायर हुआ हूं और रिटायर्ड पुलिस वाले को एनकाउंटर में जाने की इजाजत नहीं होती। अच्छा भास्कर, वो जो एक्स्ट्रा पिस्तौल मैंने तुम्हें दी थी वो संभाल के रखी है ना? जी सर। वैसे आप बोल कहाँ से रहे हैं? ऑफिस से। और कहाँ से, 30 साल का जमा किया हुआ कचरा उलट पुलट कर रहा हूँ। और इस खबर का भी तो इंतजार कर रहा हूँ कि आदि मारा गया। हैप्पी न्यू ईयर सर। गुड लक भास्कर, गॉड ब्लेस यू। सर लगता है यही है, अब तो आदि भी आ जाएगा। उन्हें मिलने से पहले हम आदि को अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं, आदि के आने से पहले हमें उनसे मिलना होगा। बट सर इट्स वेरी रिस्की, और हमें तो ये भी पता नहीं कि उनके पास हथियार है या नहीं। कपिल, वी हैव टू टेक द रिस्क, और हमें पता करना बहुत जरूरी है कि वो किसकी सुपारी देने आ रहे हैं। मैं आदि को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो स्कूल जल्दी नहीं आया, यहाँ के जल्दी आएगा। बट हम आदि भाई के लोग हैं, सेट है क्या? हाँ है ना, लेके चलो। हाँ चलो। सर आपसे मिलने आए। हम क्राइम ब्रांच से हैं, पूछताछ करनी है आप लोगों से। क्या आप लोग यहाँ किस सिलसिले से आए हो? आपको मतलब, आप कौन सा बिजनेस और किसके साथ बिजनेस करने आए? एक्सक्यूज मी,
रुक, दिखाना मुझे तितली। रुकना, मुझे दिखाना तितली। भासु, आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे सरेंडर करने का दी। फिर वही गलती कर रहा है भासु, क्योंकि मैं तुझे वो मौका भी नहीं दूंगा। देख अधी, सरेंडर कर दे। सॉरी सर, ये जाल अधी के लिए नहीं था, आपके लिए था। अधे मैंने कहा था ना तुझसे भासु, खबरी सिर्फ तेरे पास ही नहीं है। वैसे मैं बहुत डर गया था, कपिल ने मुझसे कहा कि भास्कर सर अगर अगर नींद में भी गोली चलाएंगे ना तो भी उनका निशाना चूकेगा नहीं। वैसे तुझे रात भर जगा के रखने का प्लान भी इसी ने बनाया था। अब तू देख कितनी जल्दी मैं इसको एसीपी बनाता हूं। जान बख्शने के मामले में हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया भासु। तू गया क्योंकि तू अपने दोस्तों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है। दोस्तों पे भरोसा नहीं करना मैंने तुझसे ही सिखाया दी। वेरी हैप्पी न्यू ईयर कपिल। भास्कर टपका दिया आदि को सर, साथ में कपिल भी था, अंडरवर्ल्ड का खबरी बन गया था।
ऐसे सरकारी गद्दारों को भी ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए सर। हाँ, ये किसी के भाई या दोस्त नहीं हो सकते सर, तो क्रिमिनल ही होते हैं। अरे तू कब आया? मैं 4 बजे तक तेरी राह देख रही थी, मालूम? ये क्या हुआ तेरे हाथ को? ठंडा खाना है, मैं गरम करके लाऊं? हाँ भास्कर जी, है बोल रहा हूँ। खबर मिली है कि राजू पटला आने वाला है। कहाँ? असलफा घाट के ऊपर। कितने बजे? 2 बजे के करीब। तुम लोग वहाँ पहुँचो जी, मैं आता हूँ। अरे पर खा के तो जा। घर लौटा करता है, उसके पास समय ही कम है। देर से घर लौटा करता है, उसके पास समय ही कम है। एक ही उम्र मिली है उसको, और जमाने भर का गम है। भास्कर फिर भी खुश रहता है, भास्कर फिर भी खुश रहता है।